हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो आप हर प्रोजेक्ट में यूज करोगे। इट इज सो पावरफुल एंड सो फ्लेक्सिबल कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो मशीन लर्निंग डोमेन में, आप इस एल्गोरिदम को यूज करोगे ही करोगे। ठीक है, इस एल्गोरिदम का नाम है रैंडम फॉरेस्ट। आई होप आपने पहले इसका नाम सुना है। ठीक है, अब इस वीडियो में और अगले दो तीन वीडियोज में हम लोग इन डिटेल रैंडम फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रैंडम फॉरेस्ट के बारे में जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि रैंडम फॉरेस्ट एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हर तरीके के मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है हमेशा। ठीक है, दिस अलोंग विद ग्रेडियंट बूस्टिंग एंड एक्सजी बूस्ट इज वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स जिसका परफॉर्मेंस हर मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर तगड़ा रहता है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट गुड पार्ट अबाउट रैंडम फॉरेस्ट। द सेकेंड गुड पार्ट इज कि रैंडम फॉरेस्ट कैन बी अप्लाइड टू बोथ रिग्रेशन एज वेल एज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। थर्ड जो बहुत बढ़िया बात है स्पेशली फॉर बिगिनर्स वो ये है कि जिसने रैंडम फॉरेस्ट क्रिएट किया, जिस भी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट उन्होंने अपने पेपर में ये लिखा था कि रैंडम फॉरेस्ट एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसको आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा ट्यून करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसके सेटिंग्स में अगर आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं भी करते हो तो भी उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है। इनफैक्ट आप नोटिस करोगे फ्यूचर में अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में रैंडम फॉरेस्ट को यूज कर रहे हो और उसके साथ और भी कुछ एल्गोरिदम्स को यूज कर रहे हो तो विदाउट टचिंग एनी पैरामीटर सबसे अच्छा रिजल्ट आपको हमेशा रैंडम फॉरेस्ट ही देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट पढ़ने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। सो रैंडम फॉरेस्ट इज एन एंसेंबल टेक्निक। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए डिसीजन ट्रीज। अगर आपको डिसीजन ट्री का आइडिया नहीं है तो आप रैंडम फॉरेस्ट में कुछ भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज, ट्रीज का कलेक्शन, इसीलिए इसको फॉरेस्ट बुलाया जाता है। ठीक है, सेकेंड इट्स एक्चुअली अ बैगिंग टेक्निक। हमने अभी इसके पहले जो एल्गोरिदम पढ़ा था दैट वॉज बैगिंग एंसेंबल। ठीक है, अब बैगिंग एंसेंबल मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया था, बट अगर आपको वो नहीं आता है तो ये वीडियो में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने का ट्राई करूंगा कि एकदम स्क्रैच से समझाऊंगा मैं आपको, बट फिर भी इट इज रिकमेंडेड कि आप एक बार बैगिंग वाला वीडियो देख लो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ रैंडम फॉरेस्ट। सो रैंडम फॉरेस्ट के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि इसका नाम रैंडम फॉरेस्ट क्यों है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कि इसका नाम रैंडम फॉरेस्ट क्यों पड़ा। सो यहाँ पे दो वर्ड्स है, रैंडम और फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वर्ड को आप बहुत इजीली जस्टिफाई कर सकते हो सिंस यहां पर आप मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को साथ में ट्रेन करते हो, दैट इज वाई इसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, और ग्रुप ऑफ ट्रीज के लिए फॉरेस्ट एक लॉजिकल नाम है। सेकेंड, ये रैंडम वर्ड कहां से आता है? रैंडम वर्ड इस फैक्ट से आता है कि रैंडम फॉरेस्ट इज अ बैगिंग बेस्ड टेक्निक। इट्स अ बैगिंग टेक्निक, और मैंने आपको बैगिंग वाले वीडियो में बताया था कि बैगिंग का फुल फॉर्म होता है बूटस्ट्रैप्ड एग्रीगेशन, राइट? अब ये बूटस्ट्रैप्ड जो होता है ये इस फैक्ट से आता है कि आप यहां पे सैंपलिंग करते हो। सैंपलिंग क्या होता है? रैंडमली डेटा को सेलेक्ट करना। ठीक है, तो ये जो रैंडम तरीके से डेटा का सिलेक्शन होता है वहीं से ये रैंडम वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सबसे पहले नाम क्लियर हो गया कि नाम रैंडम फॉरेस्ट क्यों है। ठीक है, अब है तो ये बैगिंग टेक्निक, एसेंशियली इट इज बैगिंग टेक्निक। मैंने आपको बैगिंग टेक्निक में पढ़ाया था कि आप वहां पे कोई भी बेस एल्गोरिदम यूज कर सकते हो, राइट? आप KNN यूज कर सकते हो, आप SVM यूज कर सकते हो, आप कोई भी बेस एल्गोरिदम यूज कर सकते हो, बट अगर आप बैगिंग में बेस एल्गोरिदम में डिसीजन ट्री यूज करते हो तो आप उसको रैंडम फॉरेस्ट बुलाते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि है ये बैगिंग टेक्निक, बट बैगिंग टेक्निक का स्पेशलाइजेशन है, और वो स्पेशलाइजेशन क्या है कि अगर आप बैगिंग टेक्निक में सारे मॉडल्स को डिसीजन ट्रीज रख करके काम कर रहे हो देन इट बिकम्स रैंडम फॉरेस्ट। कुछ और छोटे डिफरेंसेस भी होते हैं बट वो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जिन लोगों ने बैगिंग नहीं समझा या बैगिंग का वीडियो नहीं देखा उनके लिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं
कि ये पूरी चीज कैसे काम करती है. लेट्स अज्यूम आपको बैगिंग नहीं आता, तो मैं आपको स्क्रैच से समझाता हूँ कि रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करता है. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. देखो, मान लो आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें 1000 रोज है. ठीक है, 1000 रोज है, कितने भी कॉलम्स आप मान लो. मान लो आपके पास एक डेटा सेट है. ठीक है, अब यहां पे आप क्या करते हो, आप दो स्टेप में काम करते हो. सो पहले स्टेप में आप क्या करते हो, आप खूब सारे बेस मॉडल्स उठाते हो, और ये सारे बेस मॉडल्स डिसीजन ट्रीज होते हैं. हमेशा रैंडम फॉरेस्ट है तो डिसीजन ट्री ही बेस मॉडल होगा. ठीक है, तो दिस इज डिसीजन ट्री 1, दिस इज डिसीजन ट्री 2, दिस इज डिसीजन ट्री 3, डॉट डॉट डॉट. मान लो हमारे पास 100 डिसीजन ट्रीज है, तो लास्ट वाला इज डिसीजन ट्री 100. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो डेटा आपके पास था, ये डेटा आप हर डिसीजन ट्री को दोगे ट्रेन करने के लिए, बट आप पूरा का पूरा डेटा नहीं देते. वॉट यू डू इज यू क्रिएट सैंपल्स आउट ऑफ योर डेटा. ठीक है, तो आप दो तरीके से सैंपलिंग करते हो. पहला सैंपलिंग होता है, एक्चुअली आप तीन तरीके से सैंपलिंग करते हो. पहला सैंपलिंग होता है रो सैंपलिंग. रो सैंपलिंग का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. लेट्स से आपने डिसाइड किया कि हर बेस मॉडल को, हर डिसीजन ट्री को आप 500 रोज ही दोगे. आपके पास टोटल कितने रोज थे, 1000, बट आपने डिसाइड किया कि आप हर बेस मॉडल को सिर्फ 500 रोज दोगे. ठीक है, और वो 500 रोज डिसाइड कैसे होंगे, क्योंकि हमारे डेटा में अलग अलग रोज हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से 1000 रोज है, बट इनमें से 500 रोज ही इस पहले डिसीजन ट्री में जाएंगे. कौन से, ये हम डिसाइड नहीं करते, ये रैंडमली सेलेक्ट होता है. ठीक है, तो रैंडमली पता चला कि हमने 1 को सेलेक्ट किया, हमने 18 को सेलेक्ट किया, हमने 32 को सेलेक्ट किया, हमने 43 को सेलेक्ट किया, हमने 103 को सेलेक्ट किया, सो ऑन. इस तरीके से हमने 500 अलग रोज को सेलेक्ट किया, 500 अलग रोज को हमने सेलेक्ट किया, और आप ये रो, मतलब ये जो आपने डेटा फॉर्म किया, इसको D1 बोल सकते हैं. ये D1 आप पहले डिसीजन ट्री को दे देते हो ट्रेन होने के लिए. ठीक है, अब यहां पर भी जो सिलेक्शन हो रहा है, इसमें दो टाइप्स होते हैं. एक होता है विथ सैंपलिंग, एंड विदाउट सैंपलिंग. विदाउट सैंपलिंग, सो आई गेस आपको पता होगा, मैंने एकदम गलत बोला यहां पे. विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. Replacement is the word, I'm sorry. With replacement and without replacement. So, with replacement का example मैं आपको बताता हूं कि मान लो आप अपने पहले decision tree को data देना चाहते हो 500 rows, और आप with replacement row sampling कर रहे हो, row sampling with replacement कर रहे हो. तो मान लो आपने पहला जो row randomly उठाया वो 1 था. अब आपके पास नए data set में 1 आ चुका है, बट ये 1 वाला रो आपने वापस रिटर्न कर दिया, इसका मतलब ये फिर से अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए. आपने दूसरी बार उठाया तो इस बार 42 आया, फिर से आपने तीसरी बार उठाया तो फिर से 1 आ गया. क्यों? क्योंकि आप विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो, आप एक रो को उठा रहे हो और वापस डाल दे रहे हो, तो वो वापस से भी सिलेक्ट हो सकता है. इसका मतलब आपके पास यहाँ पे जो डेटा सेट आएगा उसमें डुप्लीकेट रोज होने के चांसेस है, अगर आप विथ रिप्लेसमेंट का बात कर रहे हो. बट अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट का बात कर रहे हो तो फिर डुप्लीकेट रोज नहीं आएंगे. ठीक है, तो वही मैं आपको बोल रहा था कि आप क्या करते हो रैंडम फॉरेस्ट के केस में, मल्टीपल बेस मॉडल्स ले लेते हो जो कि डिसीजन ट्रीज होते हैं, फिर आपको हर डिसीजन ट्री को डेटा देना होता है. अब वो डेटा एक्चुअली आपके एक्चुअल डेटा सेट का सबसेट होता है. ठीक है, अब वो सबसेट जनरेट करने के तीन तरीके हैं. पहला है रो सैंपलिंग, दूसरा है कॉलम सैंपलिंग. कॉलम सैंपलिंग में आप क्या करते हो कि आप ये सेम काम कॉलम के ऊपर करते हो. सो मान लो अगर आपके पास 10 कॉलम्स हैं, तो आप पहले वाले डिसीजन ट्री को, आपने डिसाइड किया कि हर डिसीजन ट्री को सिर्फ 5 ही कॉलम्स मिलेंगे, हर डिसीजन ट्री को सिर्फ 5 ही कॉलम्स मिलेंगे, तो अब आप जब फर्स्ट वाले डिसीजन ट्री के लिए डिसाइड कर रहे हो तो आप 10 में से रैंडमली कोई भी 5 कॉलम चूज कर लोगे. ठीक है, फिर दूसरे वाले डिसीजन ट्री के लिए भी रैंडमली कोई भी 5 कॉलम्स चूज कर लोगे, और ऐसा आप हर डिसीजन ट्री के लिए करोगे. तो ये जो सैंपलिंग हुआ, ये सैंपलिंग हुआ आपका कॉलम्स के ऊपर, इसलिए इसको फीचर सैंपलिंग बोला जाता है.
रो सैम्पलिंग रोज के ऊपर, फीचर सैम्पलिंग फीचर्स के ऊपर एज इन कॉलम्स के ऊपर, और इसमें दो दो टाइप्स होते हैं, पहला विथ रिप्लेसमेंट, दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट में डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट में डुप्लीकेट्स नहीं होंगे, ठीक है। और जो थर्ड टाइप होता है, आई गेस आप गेस कर पा रहे हो, वो इनका कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आप दोनों चीजों के बेसिस पे सैम्पलिंग कर रहे हो, आप रोज भी सबसेट निकाल रहे हो, कॉलम्स भी सबसेट निकाल रहे हो, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट क्या कर रहे हो, मैं एक बार पूरी चीज को समराइज करता हूँ। जब आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, आपका मॉडल किस चीज से बना है, मल्टीपल छोटे छोटे मॉडल्स है, और वो छोटे छोटे मॉडल्स डिसीजन ट्रीज है, ठीक है। तो हर डिसीजन ट्री को आप सबसेट ऑफ डेटा देते हो। अब वो सबसेट ऑफ डेटा बनता कैसे है, वो तीन चीजों से डिसाइड होता है, या तो आप रो सैम्पलिंग करते हो, या तो कॉलम सैम्पलिंग करते हो, या फिर कंबाइंड सैम्पलिंग करते हो, ठीक है। और फिर आप हर किसी को रिस्पेक्टिव डेटा दे रहे हो उसका, यहाँ पे आप D2 दे रहे हो, यहाँ पे आप D3 दे रहे हो, यहाँ पे D100 दे रहे हो, और आप इन सारे डिसीजन ट्रीज को ट्रेन करते हो। अब सिंस डेटा अलग मिल रहा है हर डिसीजन ट्री को, ये सारे डिसीजन ट्रीज अलग दिखाई देंगे। जैसे हो सकता है ये डिसीजन ट्री ऐसा दिखाई दे सकता है, ऐसा दिखाई दे सकता है, ये डिसीजन ट्री हो सकता है ऐसा दिखाई दे, ये डिसीजन ट्री हो सकता है ऐसा दिखाई दे, राइट। सिंस अलग अलग डेटा दे रहे हो आप हर डिसीजन ट्री को, हर डिसीजन ट्री अलग ढंग से ट्रेन होगा, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करते हो, अब आपके सारे डिसीजन ट्रीज अगर ट्रेन हो चुके हैं, तो अब आप सेकेंड स्टेप में आते हो। पहला स्टेप था बूटस्ट्रैपिंग, जो हमने अभी देखा, दिस इज बूटस्ट्रैपिंग जो हमने अभी किया। सेकेंड होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में आप क्या करते हो कि जब आपको प्रिडिक्शन करना होता है, तो आप एग्रीगेशन स्टेप यूज करते हो। सो आपके पास सारे डिसीजन ट्रीज ट्रेन हो चुके हैं, 100 डिसीजन ट्रीज आपके पास ट्रेन हो चुके हैं, और मान लो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अब आपके पास एक नया क्वेरी पॉइंट आया जिसका क्लास आपको पता करना है, तो आपने वो डिसीजन पॉइंट हर डिसीजन ट्री को दिया, हर डिसीजन ट्री को दिया। अब सिंस हर डिसीजन ट्री प्रिडिक्शन कर सकता है, तो उसने प्रिडिक्शन किया कि ये 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है, राइट। अब एग्रीगेशन स्टेप में आप क्या करते हो कि आप पूछते हो कि 0 कितने डिसीजन ट्रीज ने बोला, मान लो 43 ट्रीज ने बोला आउट ऑफ 100 कि 0 है इसका लेबल, और 157 ने बोला। अब सिंस 57 इज ग्रेटर देन 43, मतलब ज्यादातर डिसीजन ट्रीज बोल रहे हैं कि इस इनकमिंग क्वेरी पॉइंट का लेबल शुड बी 1, अब आप बोलोगे कि इसका लेबल 1 होगा, एंड दैट इज व्हाट एग्रीगेशन इज। एग्रीगेशन का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट कॉमन जो बात है वो आप मान लेते हो, लाइक डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम होता तो आप क्या करते, आप फिर से क्वेरी पॉइंट को सभी को देते, ठीक है। इस बार क्या होता, 0-1 के बदले एक नंबर आता, नंबर आता, आप उस नंबर का क्या करते, मीन कैलकुलेट कर देते, और आपको उसका रिग्रेशन आउटपुट मिल जाता, ठीक है। सो नटशेल में यही होता है रैंडम फॉरेस्ट। जो मैंने आपको भी चीज पढ़ाई, ये सेम चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया बैगिंग पढ़ाते टाइम, बस यहाँ पर एक ही डिफरेंस है कि जो बेस मॉडल्स हैं वो डिसीजन ट्रीज हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मैं थोड़ी देर के बाद कवर करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बैगिंग वर्सेज रैंडम फॉरेस्ट। बट इस पॉइंट पे एक बार समराइज कर लेते हैं, सिंस हमने काफी कुछ पढ़ लिया, समराइज कर रहे हैं कि रैंडम फॉरेस्ट इज अ बैगिंग बेस्ड टेक्निक। बैगिंग मतलब बूटस्ट्रैप्ड एग्रीगेशन, बूटस्ट्रैपिंग का मतलब आपके पास मल्टीपल मॉडल्स हैं, हर मॉडल को आप एक सबसेट ऑफ डेटा देते हो। अब वो सबसेट ऑफ डेटा कैसे बनता है, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, पहला क्या आप रो सैम्पलिंग कर रहे हो, दूसरा क्या आप कॉलम सैम्पलिंग कर रहे हो, तीसरा क्या आप कंबाइंड चीज यूज कर रहे हो, ठीक है। और फिर आप सबसेट ऑफ डेटा से सारे मॉडल्स को ट्रेन करते हो, और फिर एग्रीगेशन का स्टेप यूज करके प्रिडिक्शन करते हो। सो दैट इज द एंटायर थिंग। रैंडम फॉरेस्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू बैगिंग, कुछ भी अलग नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस है जो थोड़ी देर के बाद हम कवर करेंगे, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ कि रैंडम फॉरेस्ट यूज करने से क्या फायदा होता है, ठीक है। सो वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज, आपको रैंडम फॉरेस्ट समझाने के लिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप डेमो क्रिएट किया है। अब ये एक परफेक्ट डेमो नहीं है, मतलब यहाँ पर हर चीज जो मैंने दिखाई है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसे रैंडम फॉरेस्ट के अंदर होती है। इट इज अ लूज डेमो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, बट
एवरीथिंग इज नॉट ट्रू, आई विल एक्सप्लेन कि क्या क्या गड़बड़ है, बट ये पूरा चीज आपको रैंडम फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझा देगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमो. मैंने सबसे पहले एक डेटा सेट जनरेट किया है, ठीक है, यूजिंग द मेक क्लासिफिकेशन फंक्शन, एंड दिस इज द डेटा सेट. इस डेटा सेट में 5 कॉलम्स हैं इनपुट में और एक आउटपुट कॉलम है, और ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं. एक फंक्शन का नाम है सैंपल रोज. अगर आप इसको एक डेटा फ्रेम दोगे और एक परसेंट बताओगे तो ये आपको रैंडमली उसमें से सैम्पलिंग करके दे देगा. मतलब अगर आपके पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें 100 रोज हैं और आप इस फंक्शन को कॉल करो और आप बोलो कि मुझे 50% डेटा निकाल करके दो रैंडमली, तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस डेटा फ्रेम के अंदर से रैंडमली 50% रोज जनरेट करके आपको दे देगा, ठीक है? फिर मैंने ऐसा ही एक सेम फंक्शन बनाया है सैंपल फीचर्स बोल के, जो सेम काम करेगा बट कॉलम्स के ऊपर. और फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया है कंबाइंड सैम्पलिंग बोल के, जो ये सेम काम दोनों चीजों के ऊपर करेगा. मतलब आप रोज भी मतलब सबसेट निकाल सकते हो रोज का और कॉलम्स का भी निकाल सकते हो. मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सैंपल रोज यूज करके, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने आपको समझा रखा है कि रैंडम फॉरेस्ट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डिसीजन ट्रीज. तो हम जो रैंडम फॉरेस्ट बनाएंगे उसमें 3 डिसीजन ट्रीज होंगे. तो अब तीनों को मुझे डेटा देना है. अब मेरे पास जो डेटा है वो ये है, जिसमें 100 रोज है और टोटल 6 कॉलम्स है, राइट? अब मैं क्या करूंगा, मैं 3 अलग डेटा सेट्स बनाऊंगा. तीनों को कैसे बनाऊंगा, यूजिंग रो सैंपलिंग, ठीक है? अब रो सैंपलिंग करने के लिए आई विल कॉल सैंपल रोज फंक्शन. यहां पे मैं अपना ओरिजिनल डेटा फ्रेम भेज रहा हूं और मैं परसेंटेज बता रहा हूं कि मुझे जो डेटा नया चाहिए उसमें कितने परसेंट ओरिजिनल डेटा का डेटा होना चाहिए. सो मैंने बोला कि मुझे सिर्फ 10% डेटा चाहिए. सो अगर मेरे ओरिजिनल डेटा सेट में 100 रोज थे तो जो नया डेटा सेट मुझे चाहिए उसमें सिर्फ 10 रोज होंगे, ठीक है? तो इसको मैं जैसे ही रन कर रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ पर ये रैंडमली सेलेक्ट हो गए 10 रोज, ठीक है? अब ये विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट्स हो सकते हैं. ऑल दो मुझे यहाँ पर कोई डुप्लीकेट नहीं दिख रहा, बट हो भी सकता है, मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि नहीं होगा. जैसे यहाँ पर देखो 52 और 52 दो बार आया, इनफैक्ट 3 बार आया, ठीक है? और भी यहाँ पे डुप्लीकेट्स हो सकते हैं. तो मैंने विथ रिप्लेसमेंट किया है रो सैम्पलिंग, ठीक है? तो फिलहाल मैं 0.1 ही कर रहा हूं. सो दिस इज DF1. ये पहला डेटा सेट है जो मैं अपने पहले डिसीजन ट्री को दूंगा. ये मैंने ऐसे रन कर लिया, ठीक है? उसके बाद फिर से मैं सेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और फिर से मैं अपना ओरिजिनल डेटा सेट दे रहा हूं और मैं 0.1 फिर से भेज रहा हूं. और यू कैन सी इस बार एक डिफरेंट डेटा सेट आया है, ठीक है? इसको मैं DF2 बोल रहा हूं, DF2, ठीक है? और सिमिलरली आई विल जनरेट 1 मोर डेटा सेट फॉर द थर्ड डिसीजन ट्री और इसको मैं DF3 बोलूंगा. बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है? अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब अगर आप इनमें से किसी का भी शेप निकालो, DF1.shape 10.6, DF2.shape 10.6, DF3.shape 10.6, सभी में शेप सेम रहेगा, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन ट्री क्लासिफायर को कॉल करके उसके 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए. अभी तक ये बिल्कुल सेम है. अब मुझे क्या करना है, मुझे मॉडल को ट्रेन करना है. तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, DF1 का सारे रोज दूंगा और कॉलम्स कहां से कहां तक दूंगा, मुझे पहले 5 कॉलम्स देने हैं, तो मैं 0 से लेके 4 तक दूंगा. 4 4, और जो Y होगा वो लास्ट कॉलम होगा. और मैं इसको जैसे ही रन करूंगा ये तीनों डिसीजन ट्रीज ट्रेन हो गए. फिर मैंने प्लॉट ट्री फंक्शन को कॉल किया और ये रहा मेरा पहला डिसीजन ट्री. ये मेरा पहला डिसीजन ट्री है, ये मेरा दूसरा डिसीजन ट्री है और ये मेरा तीसरा डिसीजन ट्री है. और अगर आप देखो तो यहाँ पे डिफरेंसेस आपको दिखने लग जाएंगे. जैसे यहाँ पे 0 और 5 है, मतलब यहाँ पे 5 सैंपल्स आए हैं लेफ्ट वाले नोड में और राइट वाले नोड में भी 5 सैंपल्स आए हैं. वेयर एज इस वाले में लेफ्ट वाले नोड में 7 सैंपल्स आए हैं और इस वाले में 3 सैंपल्स आए हैं,
ठीक है, और अगर हम ऊपर वाले में जाएं तो यहाँ भी 7 और 3 आए। इनफैक्ट एक काम करते हैं, फिर से रीरन करते हैं पूरे कोड को, लेट्स होप कुछ डिफरेंट ट्री, थोड़ा सा और डिफरेंट ट्री बने। सो आई विल रीरन द एंटायर कोड और लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि हर बार रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है तो डिसीजन ट्री भी डिफरेंट बनेगा। 6-4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है इस बार, 5-5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, और ये देखो ये तो कम्प्लीटली अलग डिसीजन ट्री बन रहा है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, थोड़ा सा और विजिबल चेंजेस के लिए व्हाट वी कैन डू इज, रादर देन हैविंग 10% रोज, लेट्स हैव 20% रोज, 20%, 20%, और फिर से कुछ को ट्रेन कर रहा हूं मैं। ये रहा मेरा पहला डिसीजन ट्री, 13 और 7, टोटल 20 हो गया। 11 और 1 और 8, 20 हो गया, और 1 और 8 और 11, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग हमारे पास डिसीजन ट्रीज बन गए, ठीक है। अब कल को एक नया पॉइंट आता है, मान लो एक नया पॉइंट आता है, मैं इधर ही से कोई पॉइंट उठा लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसका टारगेट, इसका प्रिडिक्शन 0 होना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं एनपी डॉट एरे के अंदर इसको पास कर रहा हूं और सभी जगह पे मैं कॉमा लगा रहा हूं लाइक दिस, ठीक है, और रीशेप कर रहा हूं टू 1.5, और मैं इसको CLF1 में डाल रहा हूं। सो मैं पहले डिसीजन ट्री से पूछ रहा हूं कि बताओ इस पॉइंट का आउटपुट क्या होना चाहिए, और नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ मैच द इनपुट, नंबर ऑफ फीचर्स इज 4। 4 क्यों है? जस्ट 1 सेकेंड। ओ सो हमने क्या गलती किया, यहां पे हमने 0 to 4 लिख दिया, तो 0, 1, 2, 3, तो 4 ही कॉलम्स में ट्रेन हुआ, यहाँ पे 5 होना चाहिए, माई बैड, शुरू से ही हम गलत कर रहे थे, यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से रन कर लेता हूँ, और ये रहा मेरा पहला डिसीजन ट्री, थोड़ा सा डीप बन रहा है। ये रहा मेरा दूसरा डिसीजन ट्री, थोड़ा अलग है, और ये रहा मेरा तीसरा डिसीजन ट्री, ये भी काफी अलग है, ठीक है, और इसको मैं 1.5 कर रहा हूँ। ये रहा पहले के हिसाब से 0 होना चाहिए, दूसरे के हिसाब से आई विल कॉपी दिस एंटायर कोड एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर एंड आई विल रन इट, 0 होना चाहिए, और थर्ड वाले के हिसाब से देखते हैं क्या होना चाहिए। थर्ड वाले के हिसाब से भी ये, थर्ड वाले के हिसाब से 1 होना चाहिए। सो सिंस 2 डिसीजन ट्री 0 बोल रहे हैं और 1 डिसीजन ट्री 1 बोल रहा है, तो गोइंग बाय मेजॉरिटी काउंट आप बोलोगे इस क्वेरी पॉइंट का आउटपुट प्रेडिक्शन शुड बी 0, ठीक है। तो दैट इज हाउ रो सैम्पलिंग वर्क्स। सिमिलरली यू कैन डू कॉलम सैम्पलिंग एज वेल, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको रादर देन सैम्पल रोज आई एम गोइंग टू कॉल सैम्पल फीचर्स, और मैं DF पास करूंगा, DF में 5 इनपुट कॉलम्स हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 0.7 कर दे रहा हूँ, 70%, तो टोटल 5, टोटल अच्छा टोटल, देर इज अ प्रॉब्लम मेरे कोड में, प्रॉब्लम क्या है कि मैंने जो परसेंट निकाला है वो df.shape-1 का होना चाहिए, क्योंकि टारगेट कॉलम को आप काउंट नहीं करते, दैट्स वाई। एक बार मैं इस कोड को फिर से रन कर लेता हूँ, या सो अब देखो मैं बोल रहा हूँ, मान लो कि मुझे 50% कॉलम्स दो, मुझे 50% कॉलम्स दो, तो मेरे पास टोटल इनपुट में 5 कॉलम्स हैं, यू कैन सी इनपुट में टोटल 5 कॉलम्स है, तो 50% हुआ 2.5,
और उसका इंटीजर अगर आप कर दो तो वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो मुझे एक नया डेटा फ्रेम मिलेगा जिसमें रोज कितने होंगे, जितने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में 100, लेकिन कॉलम्स कितने होंगे, सिर्फ 2। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। एंड यू कैन सी 100 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0.8 कर दूं तो 0.8 ऑफ 5 होता है 4। तो अब हमें ये करने के बाद एक जो डेटा फ्रेम मिलेगा उसमें देयर विल बी 100 रोज बट 4 कॉलम्स। लेट्स सी, ये देखो 4 कॉलम्स रैंडमली जनरेट हुए, ठीक है। जितनी बार मैं रन करूंगा उतनी बार डिफरेंट चीजें दिखाई देंगी। ये देखो कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 5, कॉलम 4, सी कॉलम 1, 2, 5, 3, ठीक है। और आप फिर से आप इसको क्या कर सकते हो, df1 में ले सकते हो। ये हो गया df1। फिर मैं क्या करूंगा, सेम कोड को कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। सो कॉपी पेस्ट, ये मेरा df2 आ गया और ये मेरा df3 आ गया। सो मेरे पास अब 3 अलग डेटा सेट्स आ गए कॉलम सैम्पलिंग करके। फिर से सारी चीज को रिपीट करते हैं। अच्छा एक चीज और, अब हम यहाँ पे 5 नहीं डाल सकते क्योंकि अब हमारे पास जो डेटा सेट है उसका शेप है टोटल 4 कॉलम्स, सिर्फ 4 ही कॉलम्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे 0 से 3 देंगे, 3 देंगे। सो 0, 1, 2 होगा। कॉपी पेस्ट पेस्ट, मॉडल ट्रेन किया, अननोन लेबल कंटिन्यूअस। ओ अच्छा, थोड़ा सा लॉजिकल इशू है यहाँ पे। इशू ये है कि टारगेट कॉलम बचा ही नहीं, जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसमें टारगेट कॉलम ही नहीं है, हमें टारगेट कॉलम भी रिटर्न करना है। सो थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे इस कोड में। मैं कर देता हूँ और फिर मैं आपको समझा देता हूँ। सो या गाइज, मैंने चेंजेस कर दिए, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ा बस। आप चाहो तो ये कोड देख सकते हो। अब हमेशा एक टारगेट कॉलम आपको वापस मिलेगा। लेट मी शो यू। सो अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूँ, ये वार्निंग आ रहा है बिकॉज आप डेटा फ्रेम में चेंजेस कर रहे हो। और अब हमारे पास देखो इनपुट में 4 ही कॉलम्स हैं बट साथ में टारगेट कॉलम आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आगे का कोड बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेके 4। ये हमारे डिसीजन ट्री ट्रेन हो गए। ये रहा हमारा पहला डिसीजन ट्री, सिंस यहाँ पे ज्यादा रोज हैं बहुत डीप बनेगा डिसीजन ट्री। ये देखो ये रहा हमारा सेकेंड डिसीजन ट्री, थोड़ा सा अलग है ऊपर वाले से है, हाँ काफी अलग है। और थर्ड वाला भी अलग होगा बिकॉज डेटा आप अलग दे रहे हो, अलग कॉलम्स दे रहे हो, ठीक है। अगर आपको चेक करने हैं तो आप चेक कर सकते हो कि किसको कौन सा कॉलम मिला। जैसे कि df3 में ये कॉलम्स आ रहे हैं, मैं इनफैक्ट लिख देता हूँ df3.columns, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट टू 1 एंड यू कैन सी तीनों डेटा सेट्स अलग हैं क्योंकि तीनों के पास अलग कॉलम्स हैं, ठीक है। और दैट इज वाई जो डिसीजन ट्री ट्रेन हुआ है वो भी बहुत अलग है। और अब हम क्या करेंगे, फिर से एक नया क्वेरी पॉइंट लेंगे। जैसे कि व्हाट आई विल डू इज, मैं df3 उठाता हूँ, दिस इज df3 और ये क्वेरी पॉइंट पकड़ता हूँ या ये क्वेरी पॉइंट पकड़ते हैं और इसका आउटपुट 1 आना चाहिए। तो अब आई विल गो टू द फर्स्ट डिसीजन ट्री, दिस इज द फर्स्ट डिसीजन ट्री, आई विल पास द कॉलम्स और ये 1/4 हो जाएगा। देखो 1 आना चाहिए, पहले वाला बोल रहा है 1 होना चाहिए, देखते हैं दूसरा वाला क्या बोल रहा है। सो अगेन सेम इनपुट दे रहे हैं सेकेंड वाले को भी। ये 0 बोल रहा है, लेट्स सी थर्ड वाला क्या बोल रहा है।
थर्ड वाला भी वन बोल रहा है, सिंस दो लोग आप वन बोल रहे हैं और एक बंदा जीरो बोल रहा है, तो मेजोरिटी काउंट से आप बोलोगे वन होगा, जो कि सही है, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस वर्क्स। सो पहले मैंने आपको रो सैम्पलिंग दिखाया, फिर मैंने आपको कॉलम सैम्पलिंग दिखाया। यहाँ पर एक और फंक्शन है, चलो मैं वो भी आपको रन करके दिखा देता हूँ, और इस फंक्शन का नाम है कंबाइंड सैम्पलिंग, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कंबाइंड सैम्पलिंग दिखाता हूँ। कंबाइंड सैम्पलिंग में आपको तीन चीजें देनी है, अपना डेटा फ्रेम, उसके बाद कितना परसेंट रो चाहिए, मुझे 0.5 चाहिए, तो मतलब 50 रोज आएंगे मेरे पास, 0.5 मतलब 50 रोज, क्योंकि टोटल रोज 100 थे, तो 50% 50 हो जाएगा। और मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए 0.25 या 0.5 ही ले लो, दोनों 0.5 ले लेते हैं, तो 0.5 ऑफ 5 कॉलम्स हो जाएगा 2, ठीक है। तो मुझे जो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम मिलेगा उसमें 50 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, लेट्स सी होता है कि नहीं। सो यू कैन सी, अगर मैं इसको रन करूं, इसका शेप निकालूं अगर मैं, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 50.3, 3 तो होगा ही क्योंकि टारगेट कॉलम अलग है, इनपुट में 2 कॉलम्स होंगे, आउटपुट में 1 कॉलम होगा, तो टोटल 50.3 हो गया। सो अब मैं क्या करता हूं, मैं फिर से इसको DF1 करता हूं, आई विल कॉपी दिस कोड, पेस्ट, दिस विल बी DF2, एंड ओवर हियर ऑल्सो आई वुड राइट DF3। सो अब जो मेरे पास तीन डेटा सेट्स हैं, इनमें रोज भी अलग हैं, कॉलम्स भी अलग हैं, और ज्यादा रैंडमनेस है, ठीक है। और फिर से मैं आपको कॉलम्स दिखा देता हूँ, सबको अलग अलग कॉलम्स मिले, इसको कॉलम 1 कॉलम 5 मिला है, इसको कॉलम 5 कॉलम 1, इसको कॉलम 3 कॉलम 2 मिला है। और अब हम क्या करेंगे, फिर से सब कुछ सेम रहेगा, इस बार इनपुट में यहाँ पे 2 आएगा, रन किया, ट्रेन हो गया मॉडल, ये रहा मेरा पहला डिसीजन ट्री, ऐसा दिखाई दे रहा है, ये रहा मेरा दूसरा डिसीजन ट्री, ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये रहा मेरा तीसरा डिसीजन ट्री, ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों डिसीजन ट्रीज थोड़े से सिमिलर हैं, काइंड ऑफ मिरर इमेज है। अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट के लिए पता करते हैं, अच्छा कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसका आंसर हमें पता हो, तो एक काम करते हैं, DF3 प्रिंट करते हैं, सो हम ये पॉइंट ले रहे हैं, इसका आंसर 1 होना चाहिए, ठीक है। सो विल गो डाउन और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, आंसर शुड बी 1, हमें पता है। सो पहले डिसीजन ट्री से पूछा, उसने बोला कि यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा रीशेप करते टाइम, 1 है। दूसरे डिसीजन ट्री से पूछते हैं, कॉपी ये बोल रहा है 0 है, और ये बोल रहा है कि 1 है, दो लोग फिर से बोल रहे हैं 1 है और एक बोल रहा है 0 है, तो आउटपुट विल बी 1। सो लूजली रैंडम फॉरेस्ट इसी तरीके से काम करते हैं। ये नोटबुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक बार प्लीज इसको चला के देख लो, आपको एक बहुत बढ़िया इंट्यूशन मिल जाएगा कि इंटरनली बैगिंग या फिर रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करता है, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट एक और कोड के थ्रू देखेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट लगाने से क्या फायदा होता है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं।